हेलो गाइस, तो यार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार आई नो यार काफी टाइम बाद यार कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ट्यूटोरियल की, एंड आप में से यार काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि यार क्या हो गया, आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो भाई कुछ सीन ऐसे हो गया था कि यार कुछ एग्जाम्स आ गए थे यूनिवर्सिटी के जो मुझे देने बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड उसके अलावा भी यार काफी कुछ चल रहा था लाइफ के अंदर जो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, कभी हम लोग कोई माइलस्टोन यहाँ पे रीच करेंगे ना तब मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं। तो यार अब बात करते हैं इस वाले वीडियो की। तो यार आज हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं लिली विले के अंदर जो अंशु बिस्ट का मॉडर्न हाउस है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यार इस वाले हाउस के लिए यार काफी सारे रिक्वेस्ट थे, काफी सारे कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि चलो इससे स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़े यार उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार आप लोग जानते हो हम लोग 30K के बहुत क्लोज हैं, एंड यार 21 मई को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना उसके पहले पहले 30K हो जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। नहीं तो यार प्लीज यार 30K करवा दो 21 से पहले पहले। तो यार अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे जो है ये ब्लूप्रिंट आपको क्रिएट करना है। तो ब्लूप्रिंट जो भी है मैंने आपको सब कुछ डायमेंशन यहाँ पे लिख दी है, तो सेम टू सेम यार एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेना। तो यार यहाँ पे यार ये ब्लूप्रिंट अपना क्रिएट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे यार फ्रंट वाली साइड पे आना है, ठीक है। तो पहले अपन लोग फ्रंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने घर का, तो उसके लिए आपको फ्रंट पे आना है और आपको जाना है इसके कोने वाले ब्लॉक पे। यहाँ पे अब आपको यूज करना है आपको ग्रे वाला जो ब्लॉक है आपका ये वाला, और इसको आपको यहाँ पे कोने पे 21 ब्लॉक लगाने होंगे, यानी कि 21 ब्लॉक का एक बहुत ही ह्यूज पिलर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 ब्लॉक का पिलर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड सेम आपको क्रिएट करना है इस वाले कोने पे। तो यहाँ पे यार दो 21 ब्लॉक के पिलर क्रिएट करने के बाद में अब बीच में लगाने हैं आपको 6 ब्लॉक, सेम लगाने हैं आपको नीचे वाली साइड पे यहाँ पे। इतना करने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे व्हाइट कंक्रीट, और आपको सेम टू सेम जो चीज है आपको पीछे वाले यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, जो पीछे आपके 8 ब्लॉक है ना सेम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कोने से स्टार्ट करते हैं, कोने पे आपको 21 ब्लॉक लेके जाने ऊपर तक, सेम करना है आपको इस वाली साइड पे। तो वापस से 21 ब्लॉक लगाते हैं, 21 ब्लॉक लगाने के बाद में दोनों साइड पे अब आपको बीच में लगाने हैं 6 ब्लॉक्स, एंड इसके साइड में भी गाइस आपको यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते जाना है और जोड़ना होगा आपको इस ब्लैक वाले ब्लॉक से, जो भी ग्रे वाला ब्लॉक है ठीक है, आपको यहाँ पे जोड़ना है, सेम रिपीट करना है आपको यहाँ पे। अब गाइस आपको जो आपकी लेफ्ट वाली वॉल है और जो राइट वाली वॉल है आपको पूरी फिल करनी होगी आपके सेम व्हाइट वाले ब्लॉक से, यानी कि ये पूरा आपको फिल करना होगा, पूरा का पूरा एरिया जो है पूरा आपको व्हाइट वाले कंक्रीट से फिल करना है। तो ये फिल करके मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना, आपको ये वाला पार्ट पूरा फिल करना है और ये वाला पार्ट भी आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। ये सेम करना है आपको पीछे वाला पार्ट ये वाला, और टॉप वाला पार्ट भी आपको पूरा फिल करना होगा। तो ये सारा काम करके मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना। तो मैंने बाकी सारा फिल कर दिया है, बस ये ऊपर वाला रह गया है, तो फटाफट से फिल कर लेते हैं इसको भी। तो इसको पूरा ऐसे कवर करने के बाद में, लाइक पूरी यहाँ पे जो वॉल है सारी यहाँ पे वॉल क्रिएट करने के बाद में और रूफ क्रिएट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे अंदर आना है, और अंदर गाइस इसका जो फ्लोर है आपको पूरा चेंज करना होगा। तो गाइस आपको लेना है यहाँ पे आपका जो स्प्रूस के प्लैंक होते हैं ये लेना है, और ग्रास ब्लॉक के ऊपर आपको लगाने स्टार्ट करने हैं। तो यार यहाँ पे यार सारी फ्लोरिंग बनाने के बाद में अब आपको बाहर आना है, और बाहर आके आपको लेना है यहाँ पे वाइट स्टेन ग्लास पेन, और जो अपना ये ग्रे वाला फ्रेम है आपको इसको पूरा कवर करना होगा इस वाले पेन से, पूरा टॉप तक इसको फिल करना है। तो करके मैं आपसे मिलता हूँ गाइस, आप भी कर लेना। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे यार सारे जो पेन्स है सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जो हमारा हाउस है उसका मिडल वाला पार्ट पूरा बन चुका है, अंदर वाला काम बाकी है वो बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन अब काम करते हैं अपनी लेफ्ट वाली साइड पे। तो गाइस अब इतना करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड पे आना है, और आपको स्टार्टिंग के अंदर आना है यहाँ पे। अब ग्रे वाले ब्लॉक से आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1, 2 एंड 3, 3 ब्लॉक छोड़ के आपको फोर्थ वाले ब्लॉक पे यहाँ से गाइस अब आपको एक चीज फॉर्म करनी है, तो मैं फटाफट से फॉर्म करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो गाइस जब आपको यार ये जो ब्लूप्रिंट है आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा,
तो जो भी डायमेंशन है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना और एक ऐसा ब्लूप्रिंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना। तो स्टार्टिंग में तो मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पे तीन ब्लॉक छोड़ के आपको फोर्थ वाले से करना है स्टार्ट और ये ब्लूप्रिंट यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। पीछे वाली साइड पे गाइस आपको बस एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक से ब्लूप्रिंट बनाना स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ पे भी 12 ब्लॉक्स हैं और वहाँ पे भी 12 ब्लॉक्स की लाइन है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अपने 20 ब्लॉक्स हैं। तो यार ये सब यहाँ पे करने के बाद में अब आपको वापस से लेना है आपका व्हाइट कॉन्क्रीट और आपको अब यहाँ पे आना है आपके स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे और यहाँ से गाइस आपको पूरे 5 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 पांच ब्लॉक काउंट करने के बाद में सिक्स वाले ब्लॉक पे गाइस आपको यहाँ पे एक 9 ब्लॉक का पिलर क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको व्हाइट कॉन्क्रीट का यूज करना है। तो यहाँ पे 9 ब्लॉक का पिलर बन चुका है, अब वापस से आपको यहाँ पे 5 ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 एंड सिक्स वाले ब्लॉक पे वापस से आपको 9 ब्लॉक का पिलर क्रिएट करना है। इतना करने के बाद में गाइस अब आपको इसके पीछे वाले ब्लॉक को भी 9 ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा, देन आपको वापस से 5 ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 और वापस से यार सिक्स वाले ब्लॉक पे आपको 9 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ से पूरा एंड में आना होगा यहाँ पे और आपको इस वाले कोने वाले ब्लॉक पे भी 9 ब्लॉक लगाने हैं और एक पिलर क्रिएट करना है। इतना करने के बाद में गाइस अब वापस से सेम रिपीट करेंगे, 5 ब्लॉक छोड़ेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और सिक्स वाले ब्लॉक पे वापस से 9 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो टोटल आपको गाइस यहाँ पे इतने सारे जो 5 पिलर्स हैं आपको क्रिएट करने होंगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे बस 2 ब्लॉक का करना है, बाकी सिंगल सिंगल ब्लॉक के करने हैं। तो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको वापस से यार पिलर के पास में आना है और यहाँ पे यार टॉप वाले जो ब्लॉक है आपके जो 8th और 9th वाला ब्लॉक है आपको इस पे 2 ब्लॉक लगाने हैं कुछ इस टाइप से और यहाँ पे अटैच करना है। सेम आपको अब इसको है ना यहाँ पे एक्सटेंड करते जाना है और जितने भी आपके पिलर्स हैं आपको सबको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में। तो फटाफट से करके मैं आपसे मिलता हूँ। तो ऊपर यहाँ पे यार 2 ब्लॉक लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और जो हमने यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्रिएट किया था आपको इसके ऊपर सिंगल सिंगल ब्लॉक लगाने हैं और सारे पिलर को आपस में जोड़ना है। तो यार यहाँ पे आज सारे पिलर को आपस में जोड़ने के बाद में अब आपको यहाँ पे साइड में आना है और साइड में आपको पीछे वाली जो विंडो है जो बहुत ही बड़ी विंडो यहाँ पे बन गई है आपको ये पूरी यहाँ पे कवर करनी होगी। फिर आपको पीछे वाली साइड पे यहाँ पे आना है, देन आपको यहाँ से गाइस 3 ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 एंड 3। 3 ब्लॉक काउंट करने के बाद में जो नीचे वाले आपके 3 ब्लॉक्स हैं आपको ये पूरे फिल करने होंगे, यानी कि सिर्फ 3-3 ब्लॉक लगाने हैं आपको इसके ऊपर एंड पूरी यहाँ पे वॉल क्रिएट करनी है 3-3 ब्लॉक लगा के। तो इतना करने के बाद में गाइस हमारी यहाँ पे यार काफी सारी विंडो बन चुकी है, यानी कि पूरी 5 यहाँ पे विंडो बन गई है, 2 तो सामने 2 पीछे और एक साइड में। तो अब गाइस आपको साइड वाली विंडो के पास में आना है और यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक काउंट करने हैं नीचे से 1 एंड 2। 2 ब्लॉक छोड़ने के बाद में तीसरे वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे ब्लॉक लगा के इसको डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर आपके 3 होने चाहिए और यहाँ पे 2 होने चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमारी यहाँ पे पूरी 6 विंडो बन चुकी है। अब इतना करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे लेना है ब्लैक स्टेन ग्लास पेन और जितनी भी अपनी विंडोज है आपको सारी यहाँ पे कवर करनी है इस वाले ग्लास के पेन से। तो फटाफट करके मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना, ठीक है। ओके, तो भाई मैंने सारे ग्लास यहाँ पे लगा दिए हैं, अपनी 6 की 6 विंडो यहाँ पे पूरी फिल हो चुकी है। इतना करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे अंदर आना है एंड जो चीज अपन ने वहाँ पे करी थी उस वाले रूम के अंदर सेम आपको यहाँ पे करनी है रिपीट। आपको वापस से स्प्रूस के प्लैंक लेना है और आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है पूरी फ्लोर के ऊपर। तो यार हमारा फ्लोर तो यहाँ पे बन चुका है, अब बारी है रूफ की। तो रूफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है व्हाइट कंक्रीट का और ये लेके आपको यहाँ पे टॉप पे आना है और यहाँ पे गाइस जो रूफ होने वाली है ना वो होने वाली है 2 ब्लॉक की। तो आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक लगाने हैं बस ऐसे और पूरा कवर करना है इसको। तो फटाफट से करके मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई हमारी यहाँ पे रूफ बन चुकी है और यहाँ पे यार आपको पता होगा मैंने यहाँ पे डबल मतलब 2 ब्लॉक का यूज किया है रूफ बनाने के लिए, तो सेम ऐसे कर लेना। तो इतना करने के बाद में अब आ रही है ऊपर वाला काम करने की, यहाँ पे एक और फ्लोर होता है उसको बनाने की। तो उसके लिए आपको वापस से सेम ब्लॉक का यूज करना है आपके व्हाइट वाले कॉन्क्रीट का और आपको यहाँ पे कोने पे आना है, कोने वाले ब्लॉक पे यहाँ पे पीछे की साइड पे और यहाँ पे आपको वापस यार 9 ब्लॉक का पिलर क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे 10 ब्लॉक काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉक काउंट करने के बाद में जो आपका 11th वाला ब्लॉक होगा उसके ऊपर आपको वापस से एक पिलर क्रिएट करना है 9 ब्लॉक का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो 9 ब्लॉक आपको यहाँ पे लगाने हैं, 9 ब्लॉक यहाँ पे लगाने हैं और बीच में होना चाहिए 10 ब्लॉक का गैप, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपको साइड में आना है इसके और इस 9 वाले ब्लॉक के पिलर के साइड में आपको एक और 9 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़ने हैं, 1 2 एंड 3 3 ब्लॉक छोड़ने के बाद में 4th वाले ब्लॉक पे वापस से 9 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यार यहाँ पे यार 9 ब्लॉक के पिलर क्रिएट करने के बाद में अब आपको ऊपर ब्लॉक लगाने हैं इसके और इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा इस बड़ी वाली बॉल से। सेम आपको साइड में करना है और आपको पीछे वाली साइड में भी सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है। इस वाले को यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए लेके आना है और इसको आपको इस वाली बड़ी वाली बॉल से जोड़ना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इतना करने के बाद में गाइस जो हमारा पीछे वाला साइड है घर का, तो हमको ये जो पूरी वॉल है पीछे वाली आपको ये पूरी कवर करनी होगी। तो यहाँ पे गाइस आपको लगाने आपके व्हाइट वाले कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स और पूरा ये जो वॉल है इसको कवर करना है। तो पीछे वाली वॉल कवर करने के बाद में अब आपको साइड में आना है और साइड में आपको यहाँ पे 9 ब्लॉक और लगाने हैं इस वाले पिलर के साइड में। सेम आपको यहाँ पे करना है इस वाले पिलर के साइड में, यहाँ पे भी आपको 9 ब्लॉक और लगाने हैं। तो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे गाइज आपको इस वाले ब्लॉक के ऊपर 8 ब्लॉक आपको और प्लेस करना है व्हाइट कॉन्क्रीट के। देन आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे वापस से रिपीट करना है प्रोसेस। देन वापस से एक ब्लॉक छोड़ के रिपीट करना है। देन एक बार वापस से लास्ट बार एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे रिपीट करना है। तो यहाँ पे विंडो बनाने के बाद में अब आपको फ्रंट वाले साइड पे आना है और जो अपन ने यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़े थे आपको यहाँ पे इस तीनों ब्लॉक को दो दो ब्लॉक एक्सटेंड करना है ऊपर की साइड पे और ऊपर वाली साइड पे आपको इस वाले पिलर के नीचे 3 ब्लॉक आपको और प्लेस करने हैं और आपको एक विंडो यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हमारी विंडोज यहाँ पे सारी बन चुकी है। अब विंडोज क्रिएट करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे टॉप वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे आपको रूफ क्रिएट करनी होगी। तो सिंपली यार सिंगल सिंगल ब्लॉक लगा के यहाँ पे एक रूफ क्रिएट कर लेना। ओके, तो यार हमारी जो रूफ है यहाँ पे बन चुकी है। अब यार रूफ बनाने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे बाहर आना है और बाहर आने के बाद में आपको सेम ब्लॉक का यूज करना है और आपको यहाँ पे नीचे ना 6 ब्लॉक आपको और प्लेस करना है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करने के बाद में अब जो यहाँ पे अंदर का फ्लोर है आपको वापस से इसके ऊपर ना एक एक ब्लॉक आपको यहाँ पे प्लेस करते जाना है आपकी व्हाइट वाली कंक्रीट का और सिंपली आपको यहाँ पे एक फ्लोर क्रिएट करना है। तो हमारा फ्लोर यहाँ पे बन चुका है। अब इतना करने के बाद में गाइस अब आपको वापस से लेना है आपका ब्लैक स्टेन ग्लास पेन और जितने भी अपनी यहाँ पे विंडोज है वो अपन को यहाँ पे पूरी कवर करनी है। तो इतना करने के बाद में यहाँ पे सारी विंडोज क्रिएट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है आपका स्मूथ क्वार्ट्ज का स्टेयर और जो हमने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग यहाँ पे छोड़ी है इसके सामने गाइस आपको यहाँ पे 6 स्टेयर आपको प्लेस करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे यार 6 स्टेयर प्लेस करने के बाद में अब आपको वापस से आपका जो ब्लैक स्टेन ग्लास पेन है ये लेना है और आपको यहाँ पे यार डबल डबल पेन लगाने स्टार्ट करने हैं, पूरा टॉप तक आपको यहाँ पे लगाना है। तो यार यहाँ पे डबल लगाने के बाद में सेम रिपीट करना है आपको इस वाले साइड पे। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे मिडल में 2 लगाने हैं, फिर इसको आपको 2 बार एक्सटेंड करना है 1 एंड 2 तो आपका डोर यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरह से और आपका यहाँ पे एक रूम बन जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे लेना है ग्रे कंक्रीट और आपको यहाँ पे कोने पे आना है और यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है। देन वापस रिपीट करना है एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे और यहाँ पे और इन 4 को लगाने के बाद में आपको वापस से आपका ब्लैक वाला ग्लास का पेन लेना है और आपको यहाँ पे इसके बीच बीच में एक एक ग्लास के पेन लगाने हैं और साइड में सामने की तरफ आपको पूरी रेलिंग यहाँ पे क्रिएट करनी होगी ग्लास का यूज करके और पूरा आपको इसको वॉल से जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस हमारा यहाँ पे जो है लेफ्ट वाला साइड का पोर्शन यहाँ पे बन चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है जो कि बाद में करेंगे। अब चलते हैं हमारे राइट वाली साइड पे जो कि बनने वाला है यहाँ पे। एंड मैं आपको बता दूंगा इस हल्का सा ट्रिकी है वाला पार्ट, हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको समझाने की। तो अब चलते हैं और बनाते हैं। तब इसको बनाने के लिए गाइस आपको राइट साइड पे आना है और वापस से गाइस आपको यहाँ पे कोने पे आना है आपकी फ्रंट वाली साइड के और आपको यहाँ पे यार 3 ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 एंड 3 3 ब्लॉक काउंट करके 3 ब्लॉक छोड़ने के बाद में बेसिकली आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़ने होंगे
और फोर्थ वाले ब्लॉक से गाइस आपको यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस अब आपको यार ये वाला जो ब्लूप्रिंट है आपको क्रिएट करना होगा और इसका जो भी डायमेंशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे आना है और यहाँ पे गाइस आपको लेना है आपका ग्रे वाला कॉन्क्रीट का ब्लॉक और आपके स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वाले ब्लॉक से आपको यहाँ पे पूरे 7 ब्लॉक लगाने होंगे, यानी कि 7 ब्लॉक का पिलर क्रिएट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़ने हैं और आपके कोने वाले ब्लॉक पे वापस रिपीट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके साइड में भी गाइस आपको यहाँ पे 7 ब्लॉक और लगाने होंगे। इतना करने के बाद में अब आपको नीचे से गाइस यहाँ पे 3 ब्लॉक काउंट करने हैं 1, 2 एंड 3। 3 ब्लॉक आपको यहाँ पे छोड़ने हैं बेसिकली और आपको फोर्थ वाले ब्लॉक से यहाँ पे 2-2 ब्लॉक लगा के पूरा इसको कवर करना है आपको टॉप तक यहाँ तक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लेना है आपका व्हाइट वाला कंक्रीट का ब्लॉक और जब अपने यहाँ पे जो ब्लॉक प्लेस करें इसके ऊपर आपको सिंगल सिंगल ब्लॉक लगाने हैं व्हाइट वाले कंक्रीट के पूरे यहाँ तक। तो यार यहाँ पे ब्लॉक लगाने के बाद में अब आपको वापस से लेना है ग्रे कंक्रीट और इसके सामने गाइस आपको एक ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है कोने वाले ब्लॉक के जस्ट सामने, देन आपको इसको एक्सटेंड करना है 12 ब्लॉक और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आपको इसको साइड से एक्सटेंड करते जाना है और वॉल से आपको जोड़ना है यहाँ पे एंड इसके ऊपर गाइस आपका सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक बचना चाहिए, यानी कि पूरा यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अब आपको वापस लेना है आपका व्हाइट वाले कंक्रीट का ब्लॉक और आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक आपको एक्सटेंड करना होगा इसको। तो 4 ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद में अब आपको कोने पे गाइस यहाँ पे 2 ब्लॉक और लगाने हैं एंड इसको आपको लेके जाना है पूरा टॉप तक। इतना करने के बाद में गाइस आपके साइड में यहाँ पे 2 ब्लॉक की जो ओपनिंग है वो बच जाएगी, तो उसको फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपने ब्लैक स्टेन ग्लास पेन का एंड सिंपली अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे 2 ग्लास के पेन्स, देन एक सिंगल यहाँ पे लगाएंगे, देन वापस से 2 लगाएंगे, देन सिंगल लगाएंगे, फिर वापस से 2 लगाएंगे। अब ये जो पैटर्न है अपन को बस रिपीट करते जाना है सिंगल और डबल वाला और आपका एक ऐसा यहाँ पे पैटर्न फॉर्म करना है, ठीक है। तो यार यहाँ पे इतना काम करने के बाद में अब आपको गाइस यहाँ पे लेना है आपका व्हाइट वाला कंक्रीट का ब्लॉक और ये लेके आपको यहाँ पे साइड में आना है। इस कोने वाले ब्लॉक पे आपको अब यहाँ पे एक पिलर क्रिएट करना है आपको 8 ब्लॉक का। तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको यहाँ पे आना है मिडल वाले पार्ट में और यहाँ पे गाइस आपको एक ब्लॉक छोड़ के साइड वाला जो ब्लॉक है ना ये वाला आपको यहाँ पे वापस से 8 ब्लॉक का पिलर क्रिएट करना है। तो इतना करने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज और ये लेके आपको आना है इस वाले ब्लॉक पे और यहाँ पे गाइस आपको पूरे 7 ब्लॉक प्लेस करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉप वाले ब्लॉक पे यहाँ पे लगाना है आपको व्हाइट कंक्रीट। तो इतना करने के बाद में अब आपको आना है पीछे वाली साइड पे इस वाले कोने वाले ब्लॉक पे और वापस से आपको 8 ब्लॉक यहाँ पे इंक्रीज करना है। अब आपको यार जितने भी अपने ब्लूप्रिंट है आपको सबके ऊपर यहाँ पे सिंगल सिंगल ब्लॉक लगाना है व्हाइट कंक्रीट के एंड जो भी पिलर्स अपन ने क्रिएट किया आपको सबको यहाँ पे ज्वाइन करना है। सेम आपको यहाँ पे ऊपर करना है एंड आपको इस वाले वॉल्स इसको जोड़ना है। सेम करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो इतना करने के बाद में जो पूरी वॉल है यहाँ पे आपको पूरी कवर करनी है। तो सेम गाइस व्हाइट कंक्रीट यूज करना है और पूरा इसको फिल करना है। तो यार यहाँ पे पूरा फिल करने के बाद में आपको आना है साइड में और जो ये वाली वॉल है अपनी ये भी पूरी फिल होने वाली है, तो इसको पूरे ब्लॉक लगा के फिल कर देना। इतना करने के बाद में अब आपको आना है आपकी फ्रंट वाली साइड पे जो अपना मेन ये बीम थी इसके नीचे आपको एक और बीम क्रिएट करनी है। तो नॉर्मल यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर देना, देन आपको नीचे यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़ने हैं 1, 2 एंड 3 एंड फोर्थ वाले ब्लॉक से इसको डिवाइड करना है। तो बीच में सिंगल सिंगल ब्लॉक लगा के इसको ऐसे डिवाइड करना 2 विंडो के अंदर। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल ब्लॉक और लगाने होंगे। तो 3 ब्लॉक वहाँ पे, 3 ब्लॉक यहाँ पे। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे एक ब्लॉक पूरी छोड़नी है, यानी कि एक लाइन छोड़नी है और इसके ऊपर 3 ब्लॉक लगाना है, देन वापस से एक लाइन छोड़नी है और 3 ब्लॉक यहाँ पे लगाना है। सेम आपको करना है यहाँ पे। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे अंदर आना है और अंदर अपन को पूरा यहाँ पे कंप्लीट करना है फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग कंप्लीट करने के लिए इस वाले ब्लॉक के ऊपर आपको लगाना है यहाँ पे 2 व्हाइट कंक्रीट के ब्लॉक, देन जो भी अंदर वाला पार्ट बचा है अपना ग्रीन वाला इसके ऊपर आपको लगाना है स्प्रूस के जो प्लैंक होते हैं। तो फटाफट करके मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना। तो फ्लोरिंग अपनी यहाँ पे हो चुकी है कम्प्लीट। अब बारी है रूफ की। तो रूफ के लिए सिंपली आपको यूज करना है व्हाइट वाली कंक्रीट के ब्लॉक का और जो अपना टॉप वाला लेयर है आपको यहाँ से रूफ लगानी स्टार्ट करनी है। तो सिंपली यार इसको एक्सटेंड करते जाना एंड इसको पूरा ऐसे कवर कर देना, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे रूफ बन चुकी है, अपना यहाँ पे फ्लोर बन चुका है। अब आ रही है इस वाले वॉल की। तो हल्का सा यार ये जो वॉल है थोड़ी सी डिजाइनिंग वाली वॉल है, यानी कि थोड़ी डिजाइनर वॉल है। तो आपको यहाँ पे यूज करनी होगी क्वार्ट्ज की स्टेयर और क्वार्ट्ज की स्लैब। तो इसको कम्प्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लेनी है आपकी क्वार्ट्ज की स्लैब होती है ये लेनी है
और आपको यहाँ पे गाइस एक ब्लॉक छोड़ के, यानी कि जो अपना हाफ ब्लॉक है छोड़ के, इस वाले ब्लॉक से आपको यहाँ पे ना स्लैब लगानी स्टार्ट करनी है। देन आपको वापस से एक स्लैब यहाँ पे लगानी होगी, देन वापस से रिपीट करना है प्रोसेस को, एंड इसको पूरा लेके जाना है आपको ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको बस आपको एक्सटेंड करते जाना है सिंगल सिंगल यहाँ पे स्लैब लगा लगा के, एंड आपको एक ऐसा यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करना है। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेनी है आपकी क्वार्ट्ज की स्टेयर। अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ना होगा स्टार्टिंग का, और आपको यहाँ पे लगानी होगी स्टेयर कुछ इस टाइप से। देन आपको रिपीट करना है प्रोसेस, एक स्लैब छोड़ के वापस से तोड़नी है, देन वापस स्टेयर लगानी है, देन वापस सेम करना है, एक स्लैब छोड़नी है, वापस तोड़नी है, एंड आपको एक स्टेयर लगानी है। तो यार यहाँ पे तो अपन ने कर दिया, अब सेम आपको रिपीट करना है प्रोसेस को, जितनी भी स्लैब अपन ने यहाँ पे लगाई है आपको सब जगह पर रिपीट करना है। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे जो डिजाइन है वो फॉर्म करनी है। मैंने आपको बता दिया था कैसे करनी होगी, बहुत सिंपल सा काम है। बस आपको एक एक ब्लॉक छोड़ के, यानी कि जो एक एक स्लैब है वो छोड़नी है, और आपको एक एक स्टेयर प्लेस करनी है स्लैब की जगह पे, ठीक है। तो इतना करने के बाद में गाइस अब आना है आपको यहाँ पे बाहर की साइड पे। यहाँ पे बाहर आने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है आपका स्मूथ क्वार्ट्ज का ब्लॉक, और आपको यहाँ पे पूरे 5 ब्लॉक प्लेस करने हैं। इसके आगे लगानी है आपको स्मूथ क्वार्ट्ज की स्टेयर, देन आपको लेना है यहाँ पे कंपोस्टर वाला ब्लॉक, और एक लगाना है आपको कोने पे यहाँ पे, और एक लगाना है आपको 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे। इसके ऊपर लगानी है आपको 2-2 लीव्स। जो अपनी यहाँ पे ओपनिंग है आपको यहाँ पे लगाना है बर्ड्स का डोर, तो यहाँ पे डबल डोर लगाने होंगे। देन आपको लेना है यहाँ पे सैंडस्टोन वाली स्टेयर, और आपको पूरी 4 यहाँ पे प्लेस करनी है टॉप के ऊपर। स्टेयर के नीचे लगाना है आपको 2 लांटेन। अब लेनी है आपको नॉर्मल क्वार्ट की स्टेयर, और यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के आपको यहाँ पे टॉप पे लगानी है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरह से। तो हमारा पूरा एंट्री यहाँ पे बन चुका है। तो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको लेना है यहाँ पे आपका ब्लैक स्टेन ग्लास पेन, और जितनी भी वॉल्स हैं यहाँ पे बाहर की, जो जितनी भी अपनी यहाँ पे विंडोज थी, सारी आपको 3-3 यहाँ पे जो पेन से लगा के कवर करनी है। अब आपको वापस लेना है व्हाइट कंक्रीट, और अब आपको यहाँ पे 7 ब्लॉक प्लेस करना है इस वाली बीम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करने के बाद में अब इसके ऊपर आपको 11 ब्लॉक और प्लेस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो 11 ब्लॉक प्लेस करने के बाद में आप इस वाली की हाइट तक पहुंच जाओगे। तो यार यहाँ पे ऐसा पिलर क्रिएट करने के बाद में अब आपको बिल्कुल कोने पे आना है, लाइक आपको बिल्कुल पीछे वाली साइड पे यहाँ पे आना है, और यहाँ पे गाइस आपको अब काउंट करने हैं पूरे 4 ब्लॉक 1, 2, 3, 4 4 ब्लॉक काउंट करने के बाद में आपका जो 5th वाला ब्लॉक होगा इसके ऊपर गाइस आपको पूरे आप 12 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो एक अपन ने लगा दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है। तो 12 ब्लॉक का आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। इसको आपको जोड़ना होगा यहाँ पे एक्सटेंड करके आपकी वॉल से यहाँ पे, एंड इसको भी आपको एक्सटेंड करते हुए लेके आना है, और इस वाले पिलर से आपको जोड़ना है। सेम आपको यहाँ पे करना है, इसको भी आपको एक्सटेंड करते हुए लेके आना है, और ग्रे वाले कंक्रीट से यहाँ पे जोड़ना है। इतना करने के बाद में अब जो आपका बैक वाला पोर्शन है ये वाला आपको पूरा फिल करना होगा। बैक वाली वॉल क्रिएट करने के बाद में अब आपको जो फ्रंट में जो आपकी साइड में जो वॉल है आपको ये भी पूरी फिल करनी है। अब आपको आना है आपकी बैक वाली साइड पे जहाँ पे अपन ने ये वाला पिलर क्रिएट किया था। अब आपको उसके साइड वाले ब्लॉक पे यहाँ पे भी है ना आपको ब्लॉक प्लेस करते हुए जाना है, एंड पूरा आपको ऊपर तक यहाँ तक जोड़ना है। अब यार यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही बड़ा रूम बनने वाला है, तो उसको बनाने से पहले यहाँ पे एक काम और करना है अपन को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टॉप पे आना है, और यहाँ पे गाइस आपको इसके नीचे 2 ब्लॉक और लगाने हैं आपके व्हाइट कंक्रीट के। तो इसको भी आपको एक्सटेंड करते हुए लेके जाना पड़ेगा पूरा वहां तक। तो सिंपली यहाँ पे 2-2 ब्लॉक प्लेस करते जाना, एंड पूरा यहाँ तक इसको लेके आना, ठीक है। तो यार यहाँ पे यार 2-2 ब्लॉक एक्सटेंड करने के बाद में अब बारी है इसका रूफ कंप्लीट करने की। तो उसके लिए यार नॉर्मली आपको यूज करना है व्हाइट वाली कंक्रीट के ब्लॉक का, और सिंपली आपको यहाँ पे जो है वॉल लगाती जानी है। तो हमारी रूफ यहाँ पे बन चुकी है। अब बारी है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा रूम क्रिएट करने की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, और इस वाले कोने पे गाइस आपको 2 ब्लॉक एक्सटेंड करने हैं। अब इसको आपको एक्सटेंड करते जाना है पूरा यहाँ तक। तो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे कोने पे आना है, और यहाँ पे गाइस इसके ऊपर आपको 10 ब्लॉक और एक्सटेंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम आपको 10 ब्लॉक लगाने होंगे इस तरफ। तो इस वाले ब्लॉक को भी आपको एक्सटेंड करना है 10 ब्लॉक तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको आपको आपस में जोड़ना होगा।
इतना करने के बाद में आपको आना है पीछे वाली साइड पे यहाँ पे, और कॉर्नर के आपको यहाँ पे दो ब्लॉक छोड़ने हैं, वन और टू, और थर्ड वाले ब्लॉक पे आपको वापस से 10 ब्लॉक इंक्रीज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी आपको यहाँ पे है ना एक्सटेंड करते जाना है और इस वाले पिलर से आपको जोड़ना है। सेम करना है आपको इस तरफ, इसको भी आपको एक्सटेंड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और इस वाले वॉल से आपको जोड़ना होगा। तो इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे अंदर की तरफ आना है और यहाँ से गाइज आपको ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं। एंड बेसिकली गाइज आपको यहाँ पे जो पूरी वॉल है ये आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो नॉर्मल यहाँ पे ब्लॉक लगाते जाना आपके वाइट कॉन्क्रीट के। सेम करना है आपको यहाँ पे, ये वाली साइड पूरी फिल करनी है। तो हमारी यहाँ पे वॉल बन चुकी है साइड की और अपनी बैक वाले पोर्शन की। अब इतना करने के बाद में गाइस हम बनाने वाले हैं इसका यहाँ पे जो अपना रूफ होता है वो। तो रूफ बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ से ना ब्लॉक लगाने स्टार्ट करने हैं एंड पूरा इसको फिल करना है। तो हमारी यहाँ पे रूफ बन चुकी है। तो यार यहाँ पे रूफ कंप्लीट करने के बाद में आपको फ्रंट साइड पे आना है और यहाँ पे गाइस आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ ब्लॉक लगाना होगा व्हाइट वाले कंक्रीट का। सेम आपको वापस से करना है प्रोसेस, एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे एंड एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे। अब इन तीनों को आपको इंक्रीज करना होगा। तो आपकी ऐसे चार यहाँ पे विंडो बन जाएगी, चारों विंडो कवर करनी है आपको ब्लैक स्टेन ग्लास पेन से। तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यार मोटा मोटा अपना पूरा जो बाहर का जो घर है यानी जो घर का स्ट्रक्चर होता है पूरा बन चुका है। लेकिन अभी भी आप बोलोगे कि यार अंदर तो कुछ बनाया ही नहीं, अंदर पूरा खाली सा है, ना गेट ना कुछ है। तो गाइज वो सारा आप लोग बनाने वाले हैं अब, लेकिन उसके पहले यार एक छोटा सा काम है जो बाहर का काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आप लोग अंदर वाले काम के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करनी है आपकी स्मूथ क्वार्ट्ज की स्टेयर, जो अपने यहाँ पे 5 स्टेयर लगाई थी इसकी साइड में गाइस आपको यहाँ पे लगाना स्टार्ट करना है स्टेयर को एंड पूरे घर के सराउंडेड आपको लगाना होगा। बस आपको यहाँ तक लगानी होगी स्टेयर, ठीक है, इसके आगे मत लगाना। अब आपको लेनी है यहाँ पे नॉर्मल क्वार्ट्ज की स्टेयर और वो आपको लगानी है कुछ कुछ जगह पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहले आपको आना आपकी लेफ्ट वाली साइड पे यहाँ पे, और जो अपनी दो जॉइंट विंडोज है उसके ऊपर वाला एक आपको बीम छोड़ना है। फर्स्ट वाला जो बीम है ना आपको इधर आपको लगानी स्टार्ट करनी है और इसको आपको पूरा उल्टा करके लगाना है, ठीक है। तो स्टेयर को उल्टा कर देना और यहाँ से बेसिकली आपको लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ तक कवर करना है, ठीक है। सेम करना है प्रोसेस आपको रिपीट राइट साइड पे, और जो अपन यहाँ पे पूरी 5 स्टेयर लगाई थी आपको इसको कंटिन्यू करना है। तो साइड में लगाना है इसके एक और इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए लेके आना। एंड जो अपनी यहाँ पे दो विंडोज थी वो यहाँ पे कवर होने वाली है, ठीक है। तो अपना जो घर है गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम है इंटीरियर का और जो गेट है सारे लगाने बाकी हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एंट्री पॉइंट से। तो सबसे पहले आपको आपके गेट का यूज करके अंदर आना होगा। उसके बाद में गाइस आपको इस वाली वॉल से ना 5 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 ब्लॉक काउंट करने के बाद में 6th और 7th वाला ब्लॉक है आपको तोड़ना है और पूरे 4 ब्लॉक तोड़ के आपको यहाँ पे अंदर की तरफ आके यहाँ पे डोर लगाना होगा। तो गाइस यार यहाँ पे यार डोर लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पे अंदर की तरफ आना है और जो यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे वॉल है अपनी पूरी ग्लास की आपको यहाँ पे आना होगा सामने, और यहाँ पे कोने पे गाइस आपको 3 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1 2 एंड 3। 3 ब्लॉक काउंट करने के बाद में 4th वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे जो आपका व्हाइट वाला कंक्रीट का ब्लॉक है आपको यहाँ पे पूरे 4 एक्सटेंड करने हैं, 1 2 3 4, एंड इसको आपको एक्सटेंड करते जाना है और पूरा आपको यहाँ पे एक 4 ब्लॉक का ना ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना होगा। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेनी है आपकी स्मूथ क्वार्ट्ज की स्टेयर और यहाँ पे साइड में आपके राइट साइड पे 3 आपको यहाँ प्लेस करनी है, देन 3 लगानी है इस वाली वॉल से, देन वापस से 3 यहाँ पे लगानी है और 3 लास्ट में लगानी है आपको यहाँ पे। और इसके पीछे आके गाइस आपको यहाँ पे भी स्टेयर लगानी है ऐसे उल्टी करके ताकि अच्छा सा एक लुक आए। इतना करने के बाद में अब आपको वापस से लेना है आपका वाइट कॉन्क्रीट का ब्लॉक और यहाँ पे इसको 3 ब्लॉक लगा के एक्सटेंड करना है। तो यार इतना करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे टॉप पे आना अपने इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड वापस से लेनी है आपको आपकी स्मूथ क्वार्ट्ज की स्टेयर। एंड जो अपन यहाँ पे 3 ब्लॉक लगा के एक्सटेंड किया था आपको इसके ऊपर लगानी है स्टेयर, 3 यहाँ पे लगानी है, फिर 3 लगानी है इसके ऊपर यहाँ पे एंड 3 लगानी होगी यहाँ पे। इसके नीचे जाना अब आप और यहाँ पे भी यार उल्टी उल्टी करके 3 3 करके स्टेयर लगा देना
ताकि एक अच्छा सा लुक मेंटेन यहाँ पे रहे। तो यार यहाँ पे स्टेयर लगाने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे स्मूथ क्वार्ट्ज का ब्लॉक, और तीन ब्लॉक आपको यहाँ पे प्लेस करना है, और इनके आगे लगाना है आपको यहाँ पे व्हाइट कंक्रीट का ब्लॉक। तो तीन आपको यहाँ पे लगाना होगा व्हाइट कंक्रीट। इतना करने के बाद में अब आपको इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते जाना है और आपको यहाँ पे यूज करना है व्हाइट कंक्रीट का। और ऐसा एक पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, यानी कि दोनों फ्लोर के बीच में एक फ्लोर आपको और क्रिएट करनी है। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना होगा आपका जो ग्रे कंक्रीट होता है, आपको ये लेना है, और इस वाले ब्लॉक के ऊपर आपको दो लगाने होंगे। देन साइड में लगाना है आपको यहाँ पे आपकी जो स्मूथ क्वार्ट्ज की स्टेयर होती है, आपको दो यहाँ पे लगानी है। देन इसके पीछे आना है आपको, और यहाँ पे व्हाइट वाले कंक्रीट से आपको तीन तीन ब्लॉक लगा के इसको एक्सटेंड करना है, यानी कि तीन ब्लॉक यहाँ लगाने हैं, तीन ब्लॉक यहाँ लगाने हैं, एंड रिपीट करना है आपको तीन बार और। तो एक, दो और तीन, टोटल होना चाहिए पांच ब्लॉक का, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे यार पांच पांच ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद में और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे यूज करना है ब्लैक स्टेन ग्लास पेन का, और आपको यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। एंड आपको बेसिकली एक रेलिंग यहाँ पे फॉर्म करनी होगी, उसके बाद में आपको ये दो ब्लॉक तोड़ने हैं, और यहाँ पे लगाना है आपको एक डोर। तो जो अपना ओक का डोर होता है यहाँ पे प्लेस कर देना, तो यहाँ से गाइज आपकी यहाँ पे अंदर आने की एंट्री बन जाएगी। तो गाइज यार यहाँ पे डोर लगाने के बाद में अब आपको गाइज आपकी इस वाली स्टेयर पे आना है, और यहाँ से गाइज आपको यार ये वाला जो ब्लॉक है ये आपको ये छोड़ना होगा, और बाकी के यहाँ पे दो ब्लॉक तोड़ने हैं, और बेसिकली आपको यहाँ पे डोर प्लेस करना है, और ये डोर होने वाला है अपना इस वाले रूम का, जो कि सबसे बड़ा रूम है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे डोर प्लेस करने के बाद में अब आपको वापस से व्हाइट कंक्रीट का ब्लॉक लेना है, और यहाँ पे यार एक ब्लॉक और छोड़ना है आपको, और इस वाले ब्लॉक से आपको इसको डिवाइड करना है रूम को। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पे इसको पूरा एक्सटेंड करना है टॉप तक। और बीच में आपको यहाँ पे चार ब्लॉक छोड़ने हैं, और यहाँ पे चार ब्लॉक के जगह पे लगाने हैं आपको दो ओक के डोर, ताकि इस वाले रूम के अंदर जाने की आपकी एंट्री बन जाए, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे और इसको कंप्लीट करते हैं। तो गाइज अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में जो अपने डोर यहाँ पे प्लेस कर रहे थे इसके साइड में आपको ना तीन ब्लॉक छोड़ने होंगे, 1 2 एंड 3। तीन ब्लॉक छोड़ने के बाद में आपको वापस लेना है व्हाइट कंक्रीट का ब्लॉक, और फोर्थ वाले ब्लॉक से आपको डिवाइड करना है इसको। और बीच के चार ब्लॉक तोड़ने हैं, और यहाँ पे लगाने हैं आपको ओके डोर, और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे डोर लगाने के बाद में गाइज अब आपको यहाँ पे गाइज एक सिंगल ब्लॉक और छोड़ना है, और यहाँ पे दो ब्लॉक तोड़ने हैं, यानी कि चार ब्लॉक तोड़ने हैं, और यहाँ पे भी आपको लगाने हैं ओके डोर। तो यार हमारा जो घर है यार पूरा रेडी हो चुका है, अब बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, थोड़ा बहुत लाइट वाइट लगानी है, और बाकी तो सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है। अब बस आपको यहाँ पे हर कोने वाले ब्लॉक के ऊपर लाइट्स लगानी स्टार्ट करनी है कुछ इस टाइप से। देन आपको यहाँ पे अंदर आना होगा, और अंदर गाइज आपको यहाँ पे जो आपका स्टेयर्स है, स्टेयर के साइड में जो जगह है ना, यहाँ पे जो अपने व्हाइट कंक्रीट के ब्लॉक लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे लगानी है एक लैंटर्न, और कुछ लगानी है यहाँ पे, कुछ इस वाले रूम के अंदर लगानी है, सेम करना है आपको इस वाले रूम के अंदर। तो यहाँ पे भी गाइज कोने पे लगाना आपकी जो लाइट्स होती है, तीन यहाँ पे लगा लेना, और बाकी आपको जहाँ लगानी है वहाँ लगा लेना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। कुछ लैंटर्न आपको लगानी है यहाँ पे, तो इस वाले जो आपका जो ये क्या कहते हैं ब्लैक वाली जो कंक्रीट का ब्लॉक है, आपको यहाँ पे भी लगानी है लाइट, और जो अपना ऊपर वाला रूम था ना ये वाला, यहाँ पे भी आपको लाइट लगानी होगी। तो हर कोने वाले ब्लॉक पे लैंटर्न प्लेस कर लेना। तो यार अपने लैंटर्न तो यहाँ पे लगा दी है, लेकिन यहाँ पे एक लाइट लगानी अभी रह गई है, तो उसके लिए चलते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो अब यार यहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ेगी चेन, और चेन लेके आपको यहाँ पे टॉप पे आना है। अब टॉप पे गए आपको यहाँ पे एक ब्लॉक पूरा छोड़ना होगा, और सेकंड वाली आपको लाइन पे आना है, और सेकंड वाली की आपको यहाँ पे दो ब्लॉक छोड़ के थर्ड वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे पूरी छह चेन प्लेस कर दी है नीचे तक। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको छह चेन यहाँ पे लगानी है। इसके बाद गाइज आपको एक ब्लॉक छोड़ना है ये वाला, और इसके पीछे वाले ब्लॉक पे यहाँ पे आपको आठ चेन लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे यार पूरी आठ चेन लगाने के बाद में इसके साइड वाले ब्लॉक पे आपको लगानी है पूरी दो चेन, दो के बाद लगानी है इसके आगे वाले ब्लॉक पे चार चेन, 1 2 3 4। तो सारी चेन लगाने के बाद में गाइस अब लेनी है आपको श्रूम लाइट वाला ब्लॉक, और सबके नीचे आपको एक एक यहाँ पे प्लेस कर देना है।
तो इसी के साथ यार हमारा जो पूरा हाउस है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार जल्दी से यार 30 के करवाओ यार 21 मई से पहले पहले। देखो यार इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो ना। तो प्लीज यार शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज करवाओ जल्दी से। बाकी मुझे सजेस्ट करना कि आपको और क्या चाहिए, और किसी भी चीज का आपको बिल्ड चाहिए तो यार मुझे सीधा कमेंट करो, मुझे सीधा लिंक भेजो उस वीडियो का कि आपको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो मैं सीधा आपके लिए बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो भाई मिलता हूँ मैं आपसे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए यार टेक केयर, बाय बाय।